आप देख रहे हैं एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज। एनसीआर और देश के मुख्य समाचारों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रेट नोएडा प्राधिकरण के द्वारा 2009 में जीटा में फ्लैट बनाए गए थे, ईडब्ल्यूएस बोलते हैं इनको, और यहाँ पे बहुत बुरी हालत है, लगातार पानी बहता रहता है, सीवर जाम की समस्या है, साफ सफाई से बहुत लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे। अब लोगों की जुबानी मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या क्या समस्या बताइएगा सर। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि मकान गिरने की पोजीशन में है और फ्लैट में इतना सीलन है कि ये दीवार कल को गिर जाएगी। हमें तो सबसे बड़ी डर ये है कि हम यहाँ सोए हुए हैं, रात को बिल्डिंग गिर जाए तो हम इसके नीचे दबके मर जाएंगे। जी जी जी, यहाँ पर इतने आवारा पशु घूम रहे हैं कि रात में अगर कोई बाहर गाय और भैंस और अगर रात में बारिश हो जाए तो पूरा गेट के तक तक लाइटिंग और बाथरूम और कुत्ते सब कर रहे हैं यहाँ। जहाँ गन्ने की ऊपर फैलती है बहुत चौके से बल लाइन, घर के अंदर भी तैरने लगे, तो बदबू बहुत, बहुत बदबू फैलती है और बाउंड्री भी नहीं हो रखी है इसमें। हम डरते हैं, यहाँ सारे गाय गांव वालों का सब चीज यही है, जो बाइकें चोरी हो रही है, गाड़ियाँ चोरी हो रही हो रही है और पानी बह रहा है, पाइप लाइनों सीवर लाइन टूटी हुई है और उसका पाइप जो है पानी भी बह रहा है। यहाँ पे पानी की भी बहुत समस्या, पानी की लाइन टूटी हुई है, सिक्योरिटी भी किचन की बाथरूम की पानी सब टूटी हुई है, जो बाउंड्री घर के अंदर मैंने देखा इस बिल्डिंग को, इस बिल्डिंग में बहुत बुरा हाल है, सारी बिल्डिंग गिरने वाली है। मेरा सीओ साहब से निवेदन है, ग्रेट नोएडा प्राधिकरण के सीओ साहब से निवेदन है, यहाँ पे दौरा जरूर करें सब, आपको स्थिति दिख जाएगी किस तरीका से यहाँ पे कार्य किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना न भूलें।